गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ संजय राय भट्ट, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो आज के सीरीज में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू आस्क द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्म वन एग्जाम। तो वी हैव, देयर आर टू पार्टिसिपेंट्स हैव ज्वाइंड दिस क्लास एंड द नेम इज, फर्स्ट वन राखी कुमारी एंड सेकेंड वन इज दैट, व्हाट्स द नेम, दीक्षा चौबे। ओके, सो नाउ लेट्स बी स्टार्ट टू आस्क द क्वेश्चन टू दिस टू पार्टिसिपेंट्स। तो देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस का ये जवाब दे पाती है, और ये आपके टर्म वन की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन भी है, तो आप इसे रिवीजन करेंगे और आप 100 मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। इसी सीरीज को आप कंटिन्यू देखेंगे तो ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। माई सेल्फ दीक्षा चौबे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माई सेल्फ इज राखी कुमारी। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इन विच ईयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज इंस्टॉल्ड इन फ्रांस अंडर लुइस फिलिप। इन विच ईयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज इंस्टॉल्ड इन फ्रांस अंडर लुइस फिलिप। जुलाई 1830 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टोल्ड When France sneezes, the rest of Europe catches cold. Metternich is the right answer. Very good. Next question number 3. In which year the Greek War of Independence began? Greek को आजाद करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो start कब हुई थी? कौन से year में start हुई थी? 1821 is the right answer. Very good. तो अभी तक आपने सारे क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। All the questions are answers are right. Now the next question, question number 4 is, in which year Greek became an independent nation? तो 1821 में इसकी लड़ाई शुरू हुई थी, आज़ादी की लड़ाई ग्रीक की, और अब ये इंडिपेंडेंट कब हुआ, कौन से ईयर को इंडिपेंडेंट हुआ? 1832 इज द राइट आंसर। वेरी गुड राखी कुमारी। तो इनका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि कौन सा ट्रीटी हुआ था जिसने ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन अनाउंस किया या पहचान दिलाई, रिकॉग्नाइज्ड किया। नेम ऑफ द ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्ट्रिप। ओके, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर, दैट इज नॉन एज कॉन्स्टेंटिनोपल। आई से, या यू कैन से आल्सो राखी कुमारी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। यस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, तो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है इसकी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर बिलोंग टू विच कंट्री? जर्मनी, यस राइट आंसर। ओके, आई हैव नो नीड टू फाइट हियर, आई विल गिव यू वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दास वॉल? राकेश, द कॉमन पीपल। वेरी गुड। ओके, कॉमन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली? कौन से साल को, कौन से ईयर को लुइस फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया, वहाँ से भाग गया अपने कंट्री से लुइस फिलिप? राव, टाइम फॉर राखी। 1848 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच चर्च द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट ऑन 18 May 1848? नाउ टाइम फॉर राखी कुमारी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट ऑन 18 May 1848, कौन से चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट हुआ था? 1848। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आस्किंग अबाउट द ईयर। कौन से चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कौन से चर्च में आयोजित की गई थी या हुआ था? यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। द राइट, the right answer is the Church of Saint Paul. Okay, no problem. One question she could not give answer, no problem. So the Church of Saint Paul.
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज हु वॉज ऑफर्ड द क्राउन आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1848 इन जर्मनी. द नेम ऑफ दैट पर्सन वॉज फ्रेडरिक विल्हेम फोर, किंग ऑफ पर्सिया. पर्सिया का राजा, हाँ, किंग ऑफ पर्सिया. ओके, यू टोल्ड किंग ऑफ पर्सिया बट नेम वॉज फ्रेडरिक विल्हेम फोर. ओके ओके, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. ओके, आई एम ग्लैड टू बी हियर सर. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू. ओके ओके, नाउ यू मे लीव. तो आज के सीरीज में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो आप 20 क्वेश्चन के लिए हम लोग रिपीट करेंगे. और चूंकि देखो टर्म वन के लिए क्वेश्चन का पैटर्न ऑलरेडी सीबीएसई ने भेज दिया है, तो उसी क्वेश्चन पर आधारित हमारा क्वेश्चन होगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको, 100% आप मार्क्स को सिक्योर कर सको. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, और एग्ज़ाम सिलेबस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. तो अभी जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम का पैटर्न आया है, इस पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसी पैटर्न के आधार पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज होगा, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा. तो बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ. ओके, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू. हैव ए नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.